जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है इस पर चिन्ह करें। अब मैं परेशान है कि नहीं परेशान है? अगर सब लोग परेशान है तो बताइए इस परेशानी से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ आप भी आज की जनता को संकल्प दिलाने कार्य के लिए सम्मान से ज्ञापन निर्णय दिया। आपके पास भेजा है कि आप इनको अपना आशीर्वाद दें। इनके साथ में हमारे साथ आपके पड़ोसी जिले से अपना जहानाबाद से श्री आदित्य और बहुत ही मजबूत साथी है। ये आपके बीच में इनको भी बहन मायती जी ने अपना आशीर्वाद देते हुए आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और विधानसभा में भेजने के लिए इनको यहाँ आपके बीच में भेजा है। इनकी भी प्रत्याशी के रूप में आज यहाँ पर घोषणा की जा रही है कि अब हम मंडल स्तरीय कार्यक्रम पूरे प्रदेश में फिर से करें। और कहां पर करें? जो हमारी सुरक्षित सीटें हैं, जो 86 सुरक्षित सीटें हैं, अब की बार जो मंडल स्तरीय कार्यक्रम करें वो हम उन सुरक्षित सीटों के लिए करें और उसी के तहत में हम लोग दिसंबर के शुरुआत से पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते हुए निकले। मैं बड़े सम्मान के साथ निवेदन करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सदस्य हमारे बीच जनता का हर भाग चुका है। मैं बहुत बहुत भैया थोड़ा सा नीचे आईडी नहीं आ रही यार। लगातार सपा पर हमलावर रहे हैं और भाजपा पर भी हमलावर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा का जिला अरे यार भाई तुम बराबर करने आए हो क्या? और आगे बढ़ा आईडी जाने का काम हो रहा है और भाजपा जो है उत्तर प्रदेश से बाहर होने जा रही है और बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इतनी कमजोरी महसूस कर रहे हैं कि वो आज भी एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए पूरे उत्तर प्रदेश में, इसी से समझ लीजिए। जबकि इतनी बैसाखियां लेके घूम रहे हैं, इतने लोगों के साथ कहते हैं मैं दल का गठबंधन कर रहा हूं, दिख नहीं रही है, घुमा और घुमा दिए ये भी नहीं बता और घुमा और न एक प्रत्याशी घोषित और घुमा एक बार। जिस दिन प्रत्याशी घोषित कर पाएंगे उनकी जो अभी सरकारी मीटिंगें चल रही है जिसमें की सरकारी पैसे से और मीटिंग में लोग बुलाए जाते हैं उसमें भी 500 से ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे ये भी तय। सर अगर आपकी सरकार आती शिक्षा प्रतिक्रिया